नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी ट्रेन में लगी भयंकर आग। नासिक के पास शालीमार LTT एक्सप्रेस के लगेज कंपार्टमेंट में आग लग गई है। आग लगने की वजह से कंपार्टमेंट में धुआं उठने लगा और आगे वाले यात्री डिब्बों में हड़कंप मच गया था। हालांकि आनंद भानन में पहुंचे बचाव दल ने कंपार्टमेंट को ट्रेन से अलग कर दिया, तब जाकर ट्रेन में सवार अन्य यात्रियों की जान बच पाई। मध्य रेलवे मुंबई के जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी एम सुतार के मुताबिक हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं इंजन के बगल में लगे लगेज कंपार्टमेंट पार्सल वैन को ट्रेन से अलग कर दिया गया है। जल्द ही ट्रेन सुरक्षित रूप से फिर से शुरू हो जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक आग सुबह 8:43 पर लगी है। जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक पार्सल कंपार्टमेंट में आग कैसे लगी, इस बात की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। मामले की जाँच की जा रही है। जाँच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर आग कैसे लगी है। लेकिन एक बार तो यात्रियों में हड़कंप मच गया था। जो आगे वाले डिब्बे थे वहां दोस्तों यात्री घबरा गए थे। एक साथ दोस्तों धुएं का गुब्बार देख हर कोई घबरा गया था। तो बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दोस्तों नासिक से, जहां पर ट्रेन के कंपार्टमेंट में आग लग गई है। वहीं मध्य रेलवे के CPRO ने बताया कि सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां और अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। आग पर काबू पा लिया है। आग के कारणों की जांच की जा रही है। कोई घायल नहीं हुआ है। ट्रेन और ट्रेन से अलग हुई पार्सल वैन जल्द ही अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करने वाली है। और दोस्तों जाँच के आदेश दे दिए हैं कि आखिर आग किस वजह से लगी है, जल्द ही इस बात का भी खुलासा हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा हादसा टल गया है। आप सभी अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।